स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज फिर भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है तो उनके लिए हम लेके आए हैं। आज फिर वीडियो देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है बेटा। फर्स्ट पेपर मैं पहले से अपलोड कर रखा हूं और केमिस्ट्री के सेकंड पेपर को देख लीजिए। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और मैं इस वीडियो में देखूंगा कि 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, केवल ये 15 से 17 क्वेश्चन है और आपको एग्जाम से केवल दो दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपको याद करके 70% ला सकते हो। मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए ध्यान से, यहां बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए जो है केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर, उसमें आपको क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है पिरोल और प्रिडीन दोनों को बनाने की विधि आपको देखना है। पिरोल किस तरीके से बनाते हैं, प्रिडीन कैसे बनाने की विधि, उनके गुण, और यहां है ओसाजोन बनाने की विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ये जो आपको लाइन से दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और वही बात करूं कार्बन धातु भी यौगिक, जिसे ग्रेनाइट अभिकर्म में कहते हैं, कार्बन लिथियम यौगिक, ये जो आप देख रहे हैं कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि, कार्बन धातु यौगिक बनाने की विधि, ये हमने फर्स्ट पेपर में भी देखा था दोनों को, क्वेश्चनों को आप वहां भी याद कर लोगे ना फर्स्ट पेपर में, तो वहां भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहां देखिए, ये है क्लोबिनोलिन और आइसोक्लोबिनोलिन की संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इन दोनों को अच्छी तरीके से। बहुलक क्या होता है, बहुलक दो प्रकार के होते हैं, युगात्मक बहुलीकरण, बहुलीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक युगात्मक बहुलीकरण एक होता है संघनन बहुलीकरण। दोनों बहुलीकरण को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, छपेगा ये क्वेश्चन, मोस्ट है बेटा। ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से पहले 10 क्वेश्चन देने वाला हूं। लैक्टोज की संरचना, सुक्रोज का गुण, इसको इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना, मतलब कि इन क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लेते हो तो आप उसके बाद में बना बना के आराम से कर पाओगे। कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बना बना के कर दोगे, कोई दिक्कत ना आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप एक बार पढ़े हो गए ना किसी क्वेश्चन को तो हम लोग उसको बना बना के कर देते हैं, ठीक है। अब वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको ये भी लग रहा है कि हाँ तो सर क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत अच्छे इंपोर्टेंट है, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, करो पहले कर लिया, चलो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना साथ ही साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन थर्ड पेपर की भी तो आपको मिलनी चाहिए, तो कर लो। अब यहां देखो, यह नायलॉन 6x6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेफ्लॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेथिल ऑरेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और माइकल ग्रीन को छोड़ देना। चलो बेटा आ जाओ लाइन पे। सल्फा गु एडेनिन बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमीनो अम्ल बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएनए आरएनए में अंतर, आरएनए की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयर स्पेक्ट्रम और एनएमआर स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा दो बेटा लगाओ। विषम चक्री यौगिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब्रेक्ट स्पेक्ट्रमी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगाओ फटाफट टिक लगाओ लो। और यहां देखो क्या बोला गया है, लगा लिया टिक, ये वाला अम्लक्षार व्यवहार को देखो, अम्लक्षार व्यवहार क्या होता है, सल्फोनल बनाने की विधि, सल्फोनल बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सल्फोनामाइड बनाने की विधि, इसको पढ़ो। ये है आरएनए संरचना के बारे में, अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल आरएनए संरचना के बारे में, न्यूक्लिक अम्लों के घटक के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के घटक जो होते हैं, ठीक है। एपीमरीकरण क्या होता है, एपीमरीकरण को पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोटीन की संरचना के बारे में, प्रोटीन की संरचना, समझ रहे ना मेरी बात को, ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को क्योंकि पेपर में यही छपेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। रंजक मोस्ट इंपोर्टेंट, रंजक के टाइप क्या होते हैं, पॉली देखो यहां बोला है टेरिलिन बनाने की विधि, डीएनए आरएनए में अंतर ऊपर बता चुका हूं, और यहां आप जो देख रहे हैं ना ये वाला यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है उसको बनाने की विधि, और कह सकते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने की विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट दिन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, आप लोगों को ध्यान से देख लेना, ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन देखना है, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन देखना है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन
ये वाला, तेल का अम्लमान सावनीकरण आयोडीन मान और तेल का और हाइड्रो ऑक्सीकरण टिप्पणी, ये इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत आए वो सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए और नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं वो हम लोग आपको बताते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी इसके थर्ड पेपर का इंतजार करिए, बहुत जल्दी वो भी अपलोड होने वाला है। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल का भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप जो भी चला रहे हैं आप उस पर शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।